मई महीने की शुरुआत हो चुकी है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में टेम्परेचर 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच है और टेम्परेचर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इतनी गर्मी में कौन घर से बाहर निकलना चाहेगा, लेकिन कई बार काम की वजह से लोगों को मजबूरन तपती गर्मी में बाहर जाना पड़ता है। धूप के साथ साथ हीट वेव भी चल रही है, ऐसे में लू, डिहाइड्रेशन, डायरिया, सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती है। इनसे बचने का एक ही उपाय है कि जब घर से बाहर निकले तो पूरी तैयारी के साथ निकले। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बाहर जाते वक्त कौन कौन सी सावधानी बरतें और कौन कौन सी चीजें अपने साथ रखें। गर्मियों में सनबर्न जैसी समस्याएं हो सकती है, इससे स्किन जल सकती है। ऐसे में घर से निकलने से पहले कुछ सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। गर्मियों में हर थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, ऐसे में डिहाइड्रेशन का खतरा ज्यादा होता है। इसलिए घर से निकलते वक्त ठंडे पानी की बॉटल साथ रखें। तेज धूप के सीधे संपर्क में आने से लू, सिर दर्द और थकान जैसी समस्याएं हो सकती है। ऐसे में सिर और शरीर को धूप से बचाने के लिए घर से टोपी या छाता लेकर निकलें। गर्मी के कारण बॉडी डिहाइड्रेट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ऐसे में ORS का घोल हमेशा अपने साथ रखें, जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। स्किन को तेज धूप से बचाने के लिए मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट वाली सनस्क्रीन बेहद फायदेमंद होती है। इनमें सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है जो कि आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है। हीट वेव से बचने के लिए खानपान का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। गर्मियों में ज्यादा देर तक खाली पेट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है। इससे कमजोरी के साथ साथ कई बीमारियां होने का भी खतरा बढ़ जाता है। गर्मियों में ऐसी चीजें खानी चाहिए जो आपके शरीर को अंदर से ठंडक दे, साथ ही शरीर को हाइड्रेटेड रखने में भी मदद करे। अब आपको बताते हैं गर्मियों में खानपान को लेकर किन बातों का ध्यान रखें। गर्मी के मौसम में अल्कोहल, कैफीन, शुगरी ड्रिंक्स पीने से बचें। ज्यादा खाना खाने से बचना चाहिए, क्योंकि गर्मी के मौसम में पाचन तंत्र कमजोर और धीमा हो जाता है। वहीं मसालेदार और ऑयली खाना ना खाएं, सिर्फ फ्रेश खाने ही खाएं, इससे आप फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। गर्मियों में हाई प्रोटीन फूड खाने से भी बचना चाहिए। खाने में हरी सब्जियां और मौसमी फलों को शामिल करें, इससे शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद मिलती है। गर्मी से बचने के लिए आप बताई गई बातों का जरूर ध्यान रखें और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।